नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। बिहार सरकार का दावा है कि आप 5 घंटे में पहुंच सकते हैं पटना। बिहार सरकार प्रदेश के विकास को लेकर लगातार अग्रसर है। हमने देखा है कि बिहार के विकास को लेकर वर्तमान सरकार ने कई अहम कार्य किए हैं। बिहार सरकार के कार्यों का की अगर हम गिनती होती है तो उसमें बिहार सरकार के सड़कों और उसकी बिजली की स्थिति को लेकर सबसे पहले बात होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले 6 घंटे का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के सुदूर गाँव से भी लोग राजधानी पटना में 6 घंटे में पहुँच सकते हैं, लेकिन अब इसे 5 घंटे कर दिया गया है और विभाग उस पर भी काम कर रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका केंद्र सरकार की है। आइए हम जानते हैं कि बिहार में NHI और बिहार सरकार के कितने प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के लिए 1.25 करोड़ रुपये का पैकेज की घोषणा की थी। अब उसमें से 54,000 करोड़ से अधिक की राशि सिर्फ पथ निर्माण विभाग ने खर्च की है। आपको बता दें कि इसमें से कई काम पूरा हो गया है और कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आने वाले 8 से 10 साल में नेशनल हाईवे पर बिहार में 1,00,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत बिहार के औरंगाबाद के आमस से दरभंगा तक बनने वाले बिहार के पहले 6 लेन एक्सप्रेसवे भी शामिल है, जिसमें आने वाले दिनों में 75,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई है। इधर बिहार भी अपने पैसे सड़कों पर खर्च कर रहा है। बिहार अपने पैसे से कच्ची दरगाह पटना से बिदुपुर 6 लेन के साथ ही कई अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहा है। ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं बिहार में NHI के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के बारे में। औरंगाबाद वाराणसी नेशनल हाईवे का काम 60% पूरा हो चुका है और इसकी लागत जो है 3800 करोड़ रुपये है। वहीं कोइलवर बक्सर नेशनल हाईवे का काम भी 60% हो चुका है और इसकी लागत जो है वो 2600 करोड़ रुपये है। वहीं चकिया जैनग नरहिया का काम जो है 70% तक पूरा हो चुका है और इसकी लागत जो है 1316 करोड़ रुपये है। बिहार सिर्फ गया नेशनल हाईवे का काम भी 60% पूरा हो चुका है और इसकी जो लागत है वह 2100 करोड़ रुपये है। वहीं महात्मा गांधी सेतु के 1 लेन का काम जो है पूरा हो चुका है और दूसरे लेन का काम जो है चालू है। अगर हम इसकी लागत की बात करें तो यह 1750 करोड़ रुपये की लागत के साथ इसका काम चालू है। वहीं हाजीपुर मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो इसका काम जो है 85% पूरा हो चुका है और इसकी लागत जो है 1000 करोड़ रुपये है। अगर हम अगले नेशनल हाईवे की बात करें तो यह छपरा गोपालगंज का है और यहाँ पर 90% कार्य जो है पूरा हो चुका है और इसकी जो लागत खर्च है वो 990 करोड़ रुपये है। वहीं अगर हम बात बिहार शरीफ मोकामा नेशनल हाईवे की करें तो यहाँ पर काम जो है 90% पूरा हो चुका है और इसकी जो लागत है वो 635 करोड़ रुपये है। वहीं अगर हम अगले नेशनल हाईवे मुंगेर पुल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है काम 50% पूरा हो चुका है और इसकी लागत जो है 522 करोड़ रुपये है। किशनगंज फ्लाईओवर की अगर हम बात कर लें तो इसका काम जो है 62% पूरा हो चुका है और इसकी लागत जो है 129 करोड़ रुपये रखी गई है। सिमरिया खगड़िया नेशनल हाईवे का काम जो है 67% पूरा हो चुका है और इसकी लागत जो है 570 करोड़ रुपये है। फारबिसगंज जोगबनी जो नेशनल हाईवे है इसका काम जो है 70% पूरा हो चुका है और इसकी जो लागत है वो 360 करोड़ रुपये है। पिरबौनी बघा का जो नेशनल हाईवे है इस पे जो काम है 90% पूरा हो चुका है और इसकी लागत 200 करोड़ रुपये है। फतुहा हरनौत नेशनल हाईवे का जो काम है वो 90% पूरा हो चुका है और इसकी जो लागत है वो 870 करोड़ रुपये है। वहीं अगर हम बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं का अगर हम बात कर लें तो वह महात्मा गांधी के समानांतर पुल अप्रोच पथ, इसका निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन इसके जमीन की नापी हो चुकी है। वहीं इस पुल की अगर हम लागत की बात करें तो 2926 करोड़ रुपए की लागत से यह 14.5 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। वहीं 1478 करोड़ रुपए की लागत से कोसी नदी पर एक पुल और उसके साथ ही एक अप्रोच पुल बनने का भी प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ से है। NH 106 पर पुल और अप्रोच पुल जो है 28.93 किलोमीटर लंबा है, यह भी बनना है, यह बिहार सरकार की योजनाओं के तहत है। वहीं अगर हम 2288 करोड़ रुपए की लागत से नरेनपुर पूर्णिया सड़क पुल जो है यह भी बिहार सरकार की तरफ से अधिकृत है। वहीं 15,000 करोड़ से पटना रिंग रोड का खर्च होना है 15,000 करोड़ रुपये से। यह जो रिंग रोड होगा वह 6 लेन का रिंग रोड होगा और यह जो है इसका पहला फेज जो है वो 913 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह 49 किलोमीटर लंबा होगा यह फर्स्ट रिंग रोड। वहीं अगर हम बिहार सरकार की और योजनाओं की बात करें तो वह रजौली बख्तियारपुर 4 लेन का एक हाईवे है, यह भी एक बिहार सरकार की तरफ से प्रस्तावित है। इस पूरे मामले को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कई बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू होना है, हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी लंबित योजनाएं हैं उसको समय पर पूरा किया जाए। इसके साथ ही मास्टर प्लान के तहत आगे की रणनीति पर काम करना है। मुख्यमंत्री का जो 5 घंटे का लक्ष्य है उसे पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।